अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं वसीम साजद यूट्यूब चैनल पर एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूं। जैसा कि आप दोस्तों को मालूम है कि फैसलाबाद यूनिवर्सिटी के अंदर मुकाबला हुसन हुआ था घोड़ियों का, तो इस चांदी घोड़ी ने सेकंड पोजीशन हासिल की थी। तो इस घोड़ी का जो इंट्रो है हम करते हैं और आप दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। बाकी घोड़ी आप दोस्तों को चेक करवा देते हैं, माशाल्लाह कितनी खूबसूरत है, वाइट नुकरी है। तो सामने भाई खड़े हुए हैं, इनसे हम पूछेंगे कि किस हवाले से इसको चेक किया जाता है, हुसन को क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं इनकी, और कौन कौन से जो लोग हैं इसके अंदर हिस्सा ले सकते हैं। बेसिकली जो इस घोड़ी के ऑनर हैं वो चौधरी नफीस अहमद साहब हैं, फैसलाबाद से उनका तल्लक है, फैसलाबाद के साथ समंदरी, जैसा कि मैंने आप दोस्तों को बताया है। तो पोल्ट्री का वो बिज़नेस करते हैं और साथ जो घोड़ों का शौक़ है वो भी रखते हैं। मेरे साथ रियाज अहमद साहब भी मौजूद हैं, इनसे इस घोड़ी की खसूसियात भी जानते हैं और उसके बाद भाई से बात करते हैं। जी रियाज भाई, क्या कहना चाहेंगे इस घोड़ी के मतलब? अस्सलाम वालेकुम जी, मेरी तरफ से सब दोस्तों को पहले तो सलाम, उसके बाद जनाब घोड़ी की माशाल्लाह खूबसूरती आला किस्म की है। घोड़ी के पॉइंट पूरे हैं, जो पॉइंट हमारे पहले घोड़ों के मुकाबले में पॉइंट 16 नोट किए जाते थे, अब मुकाबले में पॉइंट नोट किए जाते हैं 20, और इस घोड़ी के 20 पॉइंट पूरे हैं। और पॉइंट अपने की वजह से जज हमारे से बहुत एक्सपर्ट होते हैं, बहुत बेहतर समझते हैं, उन्होंने दूसरी पोजीशन इसको दी है। फैसलाबाद यूनिवर्सिटी में चांदी घोड़ी का नाम है और बड़ी प्यारी घोड़ी है ये। हमारे बड़े प्यारे मोहसन हमारे दोस्त हैं चौरी नफीस साहब, उनकी ये घोड़ी है फैसलाबाद में। और ये जो बच्चा नज़र आ रहा है आपको, ये चौरी साहब से मैंने पूछा था, ये बच्चा भी जुले साल वाले घोड़े का जी, जो हमारे पास टीएम फार्म के खड़ा है। और अब ये दोबारा भी जुले साल से क्रॉस करवा के लाए हैं टीएम फार्म से, वो लाहौर से। इस वक्त ये जो घोड़ी है आपको दिखा रहे हैं हम फैसलाबाद में, और ये दोस्तों को शौक करवाने के लिए भी जो यूनिवर्सिटी में दूसरे नंबर पे आला किस्म की घोड़ी आई है वो दिखाने के लिए हम फैसलाबाद वीडियो बनाने के लिए आए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सर, सबसे पहले अपना तारफ करवाइएगा। जी अली अहमद। अच्छा, जदों फैसलाबाद के अंदर मुकाबला होया तो तुसी किनियां घोड़ियां लेके गए सी? असी 3.5 लेके गए। 3 घोड़ियां? जी सर। ते तिन्ना घोड़ियां दी पोजीशन आई सी या इस कल्ली घोड़ी दी आई सी? घोड़ी दी इंशाल्लाह अपनी आई सी दूसरी पोजीशन ते सर। दूसरी पोजीशन ते बाकी जेड़ियां 2 घोड़ियां सी वो भी ठीक सी है। वो भी ठीक मुकाबले च गईयां ते जेड़े पहले नंबर ते आए सी ओ लोग कित्थों दे सी? उन्हां सर नहीं पता सी। अच्छा, उन्हां तो उन्हां नहीं पता हैगा ते ओ मुकाबले दे अंदर की चीज़ां जेड़ियां चेक करदे ने? उन्हें जी खूबसूरती देखी है जी, इनकी कद वेख्या जी किन्ना कद है, उस तो बाद फिर माशाल्लाह अपनी घोड़ी बहुत अच्छी है, अपने घोड़िया का मुकाबला कर दी सर। किन्नियां घोड़ियां वैसे रखी हुई हैं? साढ़े कोले जी 6 ने सर। 6 घोड़ियां तो तुसी कोई नेज़ाबाजी वगैरह भी करते हो? जी भाई, घोड़ियां नेज़ाबाजी के अंदर चल रही हैं जी सर, यानी कि मल्टीपर्पजली तुसी यूज करते हो इन्हां? बेहतरीन हो गया। रियाज साहब की कहना चाहोगे तुसी? मैं जनाब घोड़ी बहुत अच्छी है, मैं तो घोड़ी देख के बड़ा मुतासर होया। तो चोई साहब दूसरियां घोड़ियां हैं ना 4-5, वो घोड़ियां बहुत अच्छियां, बहुत खूबसूरत घोड़ियां ने। चोई साहब को एक घोड़ी और यंग खड़ी है कि माशाल्लाह 65-66 इंच उनकी हाइट है, वो भी बहुत अच्छी घोड़ी है। और भाई तो मजीद पूछांगे भी नेज़ाबाजी के बारे इन्हों का शौक किन्ना है, नेज़ाबाजी के बारे जनाब का किन्ना शौक है भाईजान? नेज़ाबाजी भाईजान मैंने हो गया ना कि 10-11 साल जी नेज़ाबाजी कर दें। अच्छा जी सर, तो कोई मुकाबला वगैरह तुसी जीते हाल है दिक्कत? जी सर, अब तांदे जश्न 12 सही वाल होते जीते सर। केड़ी पोजीशन आई थी? तीसरे च आई। 10 साल हो गए दोनों ते हाले तकर तुसी दूसरी पोजीशन मुकाबला, 10 साल हो गए ना तुहानू दूसरी पोजीशन तुसी लई है मुकाबला हुसन च, और तीसरी पोजीशन तुसी लई है जनाब अल्ला नेज़ाबाजी दे अंदर। तो डांसिंग दे अंदर, ते डांसिंग दे अंदर की तजर्बा रखदे जी तुसी? डांसर जी सब तो पहला डांसर कीते सन जी, उस तो बाद फिर नेज़ाबाजी करन लगे सर। नेज़ाबाजी लिए किस तरह का जड़ा घोड़ा है होना चाहिए?
नेज़ाबाजी वास्ते अच्छा होना चाहिए, बनैती भी ठीक है, देसी भी ठीक है जी। बाकी जुले सियाल वाले तो तुसी ये घोड़ी क्रॉस करवाई है, उनकी की वजह है जी? उनकी वजह है सर जी, खूबसूरती बहुत ज्यादा है, खूबसूरती है, आप अपने पूरे पाकिस्तान है सब तो अच्छे जुले सियाल के बच्चे मशहूर। अच्छा, जुले सियाल के बच्चे जड़े बहुत ज्यादा मशहूर है जी? सर साढ़ा भी जिले ही करता चाहता है जी, असि जुले सियाल के घोड़े के बच्चे लिए। पहले भी थोड़े को जुले सियाल वाले का बच्चा है मौजूद है? सारे बच्चे है जी नाल अपने कॉलेज। अच्छा, है जड़ा बच्चा है? हाँ जी। माशाल्लाह, 200 चेक करो रिजल्ट, वाइट नुकरा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।